इसी सेगमेंट में एक वेन्यू भी थी, क्रेटा भी है और ब्रेजा भी थी, तीन करीब इसी सेगमेंट की गाड़ियां हैं, तो आपने वो सब भी चेक की थी? वो भी चेक की थी। ठीक है, वो इससे यानी कि देखें तो ये थोड़ा सा उनकी से रेट कम थी, और फिर देखें तो सारी फैसिलिटी जो उन गाड़ियों में वो इस गाड़ी में थी। ठीक है, ये टॉप मॉडल है? ये टॉप मॉडल है। ठीक है, फुली ऑटोमेटिक? फुली ऑटोमेटिक। को मतलब 10 लाख में फुली ऑटोमेटिक टॉप मॉडल मिल गया आपको कायगर, तो 300 आई थिंक आराम से बिल्कुल आराम से आ जाती है, और फिर काफी देखें तो इसमें स्पेस इतना है कि आराम से इसके अंदर कैसे भी बैठ सकते हैं, कैसे भी आराम से इजी जितना कंफर्ट हो सकता है उतना इसमें कंफर्ट बैठ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं रेनो की जो कायगर है, जो लुक्स में किसी भी गाड़ी से कम नहीं है और प्राइस में सबसे कम है और कंफर्ट पूरा है उसके अंदर। तो ओनर इसको पिछले 1 से 1.5 साल से यूज़ कर रहे हैं, कितने की उनको पड़ी है, क्या परेशानियाँ रही उनके लिए, क्या फ़ायदेमंद रहा, कैसी परफॉर्मेंस रही है पिछले 1-1.5 साल में, क्या चीज़ उनको अच्छी लगी और क्या कमियाँ लगी, उन्हीं सबके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो और स्वागत करते हैं सर का। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। तो सर सबसे पहले तो कब परचेज किया आपने ये? सर मेरे को 1 साल हो गई इसको कंप्लीटली। 1 साल से आपके पास में है? 1 साल से मेरे पास है और मैं ही ड्राइव कर रहा हूँ, 1 हैंड रही है। सबसे पहले अगर बात करें तो रेनो ही क्यों ली, क्योंकि इसी सेगमेंट में कई सारी गाड़ियाँ आती है अभी। अगर इस सेगमेंट में देखें तो सबसे बेस्ट कायगर है। ठीक है, क्योंकि एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि चाहे पैसे की वैल्यू हो चाहे कुछ भी हो, देखें तो अपन को वो ही गाड़ी लेनी चाहिए जो अपने कंफर्ट में रहे और बजट में रहे। कि सर्विस कॉस्ट क्या आती होगी इसकी? सर्विस कॉस्ट तो ऐसा नहीं, ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, और अभी तो जब मालूम चलेगी जब तक यानी कि इसका वो ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है, तो अभी इस कंपनी के थ्रू बिल्कुल। तो इसके नॉर्मल जो सर्विस कराते हैं जैसे अपने इसके ऑयल चेंज होता है, फिल्टर होता है, तो ये भी फ्री सर्विस में है या खत्म हो चुका है? अभी फ्री सर्विस है। तो कितनी फ्री सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी इसमें? इसमें तीन फ्री सर्विस रहती है आपकी? जी जी। ठीक है, तो वो 5,000 किलोमीटर ऐसे होती है ना? बिल्कुल 10,000-20,000 वो तो बढ़ती जाती है थोड़ा सा। अभी कितने हजार किलोमीटर चल चुकी है आपकी? ये 21,000 रन हो गई कंप्लीट। ठीक है, तो 21,000 किलोमीटर आपके पास में रन हुई है, तो आपने इसकी सर्विस जब भी कराई है तो आपको कुछ पे करना पड़ता है या आपने फ्री ऑफ कॉस्ट? कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, अच्छा आपने परचेज की तो कितने की पड़ी आपको ये? ये मुझे यानी कि 10.5 के करीब पड़ी थी ये। 10.5 की पड़ी आपको? जी। ठीक है, तो इसमें ऑन रोड प्राइस है या फिर? ऑन रोड प्राइस 10.5। ठीक है, तो इसमें कोई डिस्काउंट भी था आपको या कंप्लीट 10.5 ही है? वैसे मुझे तो डिस्काउंट मिला था, देखें जो यानी कि एक डिस्काउंट की इनकी एक पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग मुझे डिस्काउंट मिला था। ठीक है, तो उसमें आपको कितना डिस्काउंट मिला? मुझे मिल गया था 50-60 हजार के करीब। ठीक है, तो आपको 10 के आसपास पड़ गई है? बिल्कुल। ये लुक्स में क्रिएटा से बात करूं, वेन्यू से बात करूं, या नई जो ब्रेजा आ रही है उनसे बात करें, तो किसी से भी कम नहीं है लुक्स में? कम नहीं है। तो जब आपने परचेज की सारा पर आप देख रहे थे, तो उस टाइम पे इसी सेगमेंट में एक वेन्यू भी थी, क्रिएटा भी है और ब्रेजा भी थी, तीन करीब इसी सेगमेंट की गाड़ियां हैं, तो आपने वो सब भी चेक की थी? वो भी चेक की थी। ठीक है, वो इससे यानी कि देखें तो ये थोड़ा सा उनकी से रेट कम थी, और फिर देखें तो सारी फैसिलिटी जो उन गाड़ियों में वो इस गाड़ी में थी। ठीक है, ये टॉप मॉडल है? ये टॉप मॉडल है। ठीक है, फुली ऑटोमेटिक? फुली ऑटोमेटिक। ठीक है, 10.5 में आपको मतलब 10 लाख में फुली ऑटोमेटिक टॉप मॉडल मिल गया आपको कायगर। ठीक है, आपको बिल्ड क्वालिटी को लेकर कोई इशू होता है कि बिल्ड क्वालिटी कम है इसकी या फिर जो बाकी है वैसी इसकी भी है? नहीं, बाकी की जैसे ये सभी गाड़ियां वैसे इसकी भी है, ऐसा कुछ नहीं है, और गाड़ी बहुत ही अच्छी है, शानदार गाड़ी है ये, देखें तो लॉन्ग ड्राइव के लिए जाते हैं तो बहुत ही यानी कंफर्ट रहती है, इसे ड्राइव करने में बहुत इजी रहता है। कंफर्टेबल है, आप लॉन्ग रन भी करो तो आपको फील नहीं होता कि आपको थोड़ा टायर्ड फील हो रहा है, वो नहीं होता है? नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब बात करें तो इसमें आपको फीचर्स देख लेते हैं अंदर से गाड़ी के एक बार। बिल्कुल किस तरह के फीचर्स है इसमें अपने? तो ये कायगर का टॉप मॉडल है, रेनो कायगर इसका टॉप मॉडल है जो सर को 10 लाख में पड़ा है। इसके फीचर्स के बारे में सर से थोड़ी सी बात करें हम लोग, तो सर आपको क्या क्या फीचर्स इसमें लगे जो आपको पसंद भी आए और जो फीचर्स इसमें आपके अकॉर्डिंग वो बेस्ट हो? पुश बटन स्टार्ट है फुली? ये फुली पुश स्टार्ट है, ऐसा कुछ नहीं, और AMT और ऑटोमेटिक दोनों हैं इसमें। ठीक है, सेकंड इसमें यानी कि 3 उस पर इसको चला सकते हैं, जैसे इको पर, नॉर्मल पर, स्पोर्ट पर। अच्छा, इसमें मोड्स भी दिए हुए हैं? हाँ, अलग अलग मोड पर ये गाड़ी चलाई जाती है। तो अभी तो मैं नॉर्मल चला रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, स्पोर्ट में मैंने चला ही नहीं है, ऐसी जरूरत पड़ी नहीं है कि मैं किसी से यानी कि क्या बोलते हैं कि
रेस वगैरह कर रेस वगैरह करनी हो फैमिली के अकॉर्डिंग फैमिली के अकॉर्डिंग बिल्कुल बिल्कुल कंफर्ट चाहिए होता है प्रॉपर। अच्छा सिटिंग कंफर्ट कैसा है इसका, जैसे आप अगर यूज कर रहे हैं तो प्रॉपर? और गाड़ी से मुझे इसका काफी कंफर्ट लगा बिल्कुल, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और इसका एसी का विंड, क्योंकि एसी का मेन इशू रहता है लोगों को, तो एसी का कैसा फील हुआ? एसी इसका एक नंबर है, ऐसा कुछ नहीं है, एसी पावरफुल एसी है इसका। ठीक है, मैं सीटिंग की भी अगर आपको दिखाऊं तो स्पेस भी पूरा रहता है आपको यहाँ पे, सीटिंग की क्वालिटी, सीट्स की क्वालिटी भी काफी अच्छी है इसमें देखोगे अगर आप। तो अगर मैं बात करते हैं हम लोग बैक स्पेस के बारे में इसके, तो बैक स्पेस का भी अच्छा, इसमें बैक स्पेस में ये अच्छा, ये भी दिया है, हैंडरेस्ट भी दिया हुआ है कंप्लीट आपको, क्योंकि टॉप मॉडल है तो हैंडरेस्ट भी दिया हुआ है। इसमें 300 आई थिंक आराम से, आराम से, आराम से बिल्कुल आराम से आ जाती है, और फिर काफी देखें तो इसमें स्पेस इतना है कि आराम से इसके अंदर कैसे भी बैठ सकते हैं, कैसे भी आराम से इजीली, जितना कंफर्ट हो सकता है उतना यार इसमें कंफर्ट बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। अभी लॉन्ग रनिंग में कई बार प्रॉब्लम होती है कि पीछे वाले कई बार शिकायत करते हैं कि उनके पैर अड़ रहे हैं या फिर वो प्रॉपर कंफर्ट नहीं आ पा रहा है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा बूट स्पेस की अगर बात करें तो वो भी काफी अच्छा दिया हुआ है, बैक में भी आपको पूरा स्पेस मिलेगा इसमें, तो आप देखोगे बूट में भी काफी अच्छा स्पेस है। अगर आपके बड़े वाले बैग भी आपका इसमें कहीं ट्रैवल कर रहे हो आप, तो बड़े वाले बैग भी आराम से सेट, आराम से, आराम से। लुक्स को लेकर तो कोई कमी है ही नहीं, लुक्स तो ऑलरेडी इसके जो दिए हैं, जितनी भी गाड़ियां आ रही है आई थिंक उनमें लुक्स सबसे प्यारा लुक्स इसी के ही है अगर आप देखोगे तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ये माइलेज की बात कर लेते हैं एक बार इसके, तो माइलेज क्या देती होगी आपको ये? माइलेज जैसे सिटी के अंदर चलाते हैं तो, यानी कि एक हाईवे पर चलाना और सिटी में चलाना दोनों में अंतर हो जाता है जी। अगर सिटी के अंदर चलाते हैं तो इसमें 10-11 के करीब ये दे देती है, दे देती है। अगर हम हाईवे पर चलाते हैं, लॉन्ग वे पर जाते हैं तो ये 17-18 पर पहुंच जाती है आराम से। 17-18 का माइलेज अच्छा होता है हाईवे पर। बिल्कुल बिल्कुल, ये टॉप मॉडल ऑटोमेटिक है तो आपको प्रॉब्लम्स भी नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं इसके, जो आपने यूज किया हुआ है इसको, पिछले एक साल से यूज कर रहे हैं आप, तो इसमें आपने कोई एड ऑन पैकेज लिया हुआ है इसमें सर्विसेज को लेके, या फिर कैसे क्या है उसका, जो पार्ट्स वगैरह कुछ प्रॉब्लम होती है तो पार्ट्स में वारंटी में रहते हैं या उसका सब क्या कैसी है इसमें? ये कंपनी 3 ईयर वारंटी तो देती देती है, साथ में मैंने 2 साल का इसमें अलग एड ऑन कराया है। अब अगर मैं बात करूँ आपसे तो पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होंगे इसके, 2-3 पॉइंट पॉजिटिव जो आपको लगे कि बहुत बढ़िया पॉइंट्स हैं वो सब गाड़ी के बारे में? इसमें पॉजिटिव तो ये काफी, यानी कि चलाने में काफी कम्फर्ट है, सबसे बेस्ट तो यही है। ठीक है, कम्फर्टेबल है, बिल्कुल कम्फर्टेबल है आपको इसकी, बाकी का तो सारी गाड़ियाँ एक जैसी होती है। हाँ करीब करीब सब सेम ही है, क्योंकि वो इंजन है, वही सबकी कैपेसिटी सेम है, बट वो ये ओनर जो रन कर रहा है वही बता पाता है कि क्या कमी लगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात करते हैं कमियों के बारे में, आपको क्या कमी लगी इस गाड़ी? कमी के बारे में देखना, इसमें क्या है कि ये नई गाड़ी थी, कंपनी ने नई निकाली थी, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम तो होती होती है, जो भी गाड़ी निकलती है तो इसमें मेन तो प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा कीचड़ वगैरह आ जाती है, तो ये बाहर कीचड़ बाहर निकलने लग जाती है। अच्छा, इसमें जो गार्ड दिए हुए साइड में, इसके टायर के ऊपर जो गार्ड है, इसमें गैप्स है आई थिंक, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरे पास ड्राइवर है, उसमें भी सेम प्रॉब्लम आएगी आपको, ये गैप्स आ जाता है इनमें थोड़ा सा, इनको देखना, शायद कंपनी फिटेड से यानी कि प्रॉब्लम है थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग, आने वाले टाइम में ये अपडेट तो करेंगे करेंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं ऐसा, परफेक्ट चल रही गाड़ी, कोई प्रॉब्लम आई नहीं आपको? बिल्कुल बिल्कुल। कभी आप हाईवे पे गए हो और आपको लगाओ कि यार इसमें ये प्रॉब्लम आई है, मुझे कभी लगाओ कि स्पीड पे जा रहा हूँ तो गाड़ी वाइब्रेट हो रही है या फिर मतलब प्रॉपर बहुत कई बार खराब हो जाती है, बहुत ऑफ रोडिंग हो जाती है? एक्चुअली की जब थोड़ी गाड़ी बनती है तो मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन सर्विस सेंटर पर ये सारी चीजें यानी कि वो सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर सर्विस सेंटर वाले भी बहुत है, एक नंबर यानी बढ़िया लोग हैं, सो यानी सपोर्टिव है, सपोर्टिव पर्सन है वो सभी, तो मतलब सपोर्ट काफी अच्छा है रेनो सर्विस सेंटर जो है। बिल्कुल बिल्कुल, जो वीकेआई पे आई थिंक उन पे सर्विस कराई है, वीकेआई। ठीक है, तो वहाँ पे उनका सपोर्टिव नेचर है काफी ज्यादा। बिल्कुल, नरेंद्र जी हैं, यशराज जी हैं, वेरी गुड पर्सन। ठीक है, तो मतलब सर्विस सेंटर को लेकर अच्छा एक्सपीरियंस है आपका। बिल्कुल, मेन प्रॉब्लम यही होती है, आप गाड़ी तो आपको जो सेल्स वाले बंदे हैं वो बेच देंगे, वो सब कुछ चिपका देते हैं अच्छे से, वो तैयार रहते हैं, बट प्रॉब्लम क्योंकि हमको लाइफ टाइम रखनी है इसको, मान लो 4-5 साल 10 साल भी आप रखते हो तो मेन आपको फेस करना है वो सर्विस सेंटर में फेस करना है इश्यूज, अगर वहां पे आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है तो आपके लिए बेस्ट हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अच्छा इसकी मैक्स स्पीड क्या रन की होगी आपने? 120 चेक कर लिया आपने, 20 चेक कर लिया, तो 120 में जब आप रन करते हो तो आपको लगता है कि नहीं गाड़ी में थोड़ा सा वाइब्रेशन कुछ नहीं, हो रहा है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कंट्रोल गाड़ी रोड से चिपक के प्रॉपर चलती है आराम से। ठीक है, तो इश्यूज इसका कोई इश्यू नहीं, मेन एक दो छोटे मोटे इश्यूज आई थिंक वो कंपनी ठीक करते तो बेस्ट है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये था एक काइगर का वीडियो जो हमने उन्होंने सर के साथ में बात की और पता किया कि काइगर की परफॉर्मेंस कैसी है, क्या इसमें खूबियां हैं, क्या कमियां हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट करते हैं आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच सर, आपने काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। वेलकम। चलिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।